ये देखिए, इतना सिल्की, इतना शाइनी ये कैरेमल सॉस की रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। आप इसकी कंसिस्टेंसी देखिए और कितना थिक है और बहुत ही रिच है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसे केक में कैसे यूज़ करना है, इसे चॉकलेट में कैसे यूज़ करना है, वो सारी चीज़ मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो नमस्ते दोस्तों, वंदनास केक गैलरी में आपका फिर से स्वागत है। तो आज यहाँ पर मैं पहले सबसे पहले बनाऊँगी यहाँ पर जो मैं हमेशा बनाती आई हूँ अपने केक के लिए, बटर स्कॉच केक के लिए प्रोलाइन बनाती हूँ मैं। तो आज मैं यहाँ पर कैशू से बनाऊंगी प्रोलाइन। आप चाहें तो इसे पीनट से भी बना सकते हैं, आलमंड से भी बना सकते हैं, एज पर कस्टमर चॉइस। पर मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कैशू से ही बनाती हूँ और एक बार मैंने आलमंड से बनाया था जस्ट बिकॉज मेरे कस्टमर की डिमांड थी। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है शुगर, और शुगर को सबसे पहले मेल्ट करना है। और ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि आपको शुगर को हाई फ्लेम पर मेल्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें सिर्फ शुगर को मेल्ट करना है, कैरामलाइज नहीं करना है। जितना हो सके कोशिश कीजिए कि ये कम से कम टेम्परेचर पर और बिना ज़्यादा कलर फेड हुए, मीन्स बहुत ज़्यादा डार्क कलर ना आए और हम इसे मेल्ट कर लें। और शुरुआत में बिल्कुल भी मत चलाइएगा, वैसे पेशेंस नहीं रहता है मेरे में भी, मैं कई बार चला देती हूँ। ये इसे आप छोड़ दीजिए मीडियम फ्लेम पर, मीडियम के एकदम लो फ्लेम पर छोड़ दीजिए। और ये देखिए धीरे धीरे ये हमारा शुगर जो है मेल्ट हो रहा है। यहाँ पर मैं पूरा दिखा रही हूँ, वीडियो फास्ट किया है मैंने, लेकिन पूरा आराम से आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से ये मेल्ट हो रहा है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है कैशूज, और ये जो कैशू है इसे मैं तोड़ रही हूँ जस्ट बिकॉज, क्योंकि मैं सारा चेक करके ही डालती हूँ कि इसमें एक भी कीड़े वगैरह ना हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डाल दिया है घी, अगर आप चाहें तो बटर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारा शुगर बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुका है। तो ये देखिए हमारा शुगर जो है बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो चुका है, आप इसका धुआं देख सकते हैं, लेकिन लो फ्लेम पर बिल्कुल मैं इसे बना रही हूँ, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है। तो यहाँ पर मैंने अपने सारे कैशूज को डाल दिए हैं, और उसके बाद मैंने उसी प्लेट को अच्छे से घी लगा के ग्रीस कर लिया है। अगर ये बटर वाला केक बन रहा है, मीन्स बटर स्कॉच केक, तो मुझे ऐसा लगता है कि बटर का घी का ही यूज़ हो। आप चाहे तो अपने पैन को जिसमें आप इसे फैलाना है ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं, पर उसका टेस्ट नहीं है। तो कोशिश करें कि बटर या घी का ही यूज़ करें। तो अब मेरा जो मैंने प्रोलाइन बनाया था उसे मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है, और अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ कैरेमल सॉस। जी हाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने लिया है शुगर, और यहाँ मैंने लिया है व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड, कंडेंस मिल्क, अमूल की फ्रेश क्रीम, और मैंने बटर का भी यूज़ किया है। और अब आप पूछेंगे कि आपने क्वांटिटी कितनी कितनी ली है सारी चीज़ों की। तो देखिए इसका पूरा मेजरमेंट मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप वहां से चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वो ज़्यादा इजी होगा आपके लिए। लेकिन हाँ, स्टेप बाय स्टेप आप ये चीज़ ध्यान रखिएगा, वीडियो को देखकर ही डालिएगा कि किस चीज़ के बाद कौन सी चीज़ हमें डालनी है। तो बटर स्कॉच केक इतना इजी नहीं होता है बनाना, और आगे मैं इसका वीडियो भी शेयर करूंगी कि मैंने कौन सा केक बनाया था, किस तरीके का केक बनाया था। इस वीडियो में नहीं लाऊंगी मैं, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। तो ये देखिए मेरा शुगर जो है धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है। इसे भी हमें बहुत ज़्यादा कैरामलाइज नहीं करना है, जस्ट कोशिश करना है कि जितनी जल्दी हो सके हमारा सारा शुगर जो है अच्छे से मेल्ट हो जाए। वैसे तो बटर स्कॉच सॉस मार्केट में भी मिलता है, लेकिन मुझे इसका टेस्ट ज़्यादा पसंद है। आप चाहें तो बटर स्कॉच सॉस भी रख सकते हैं खरीद कर, पर मुझे ऐसा लगता है कि जो चीज़ मैं घर में बना लेती हूँ और टेस्टी बन जाती है, मैं उसे हमेशा घर में ही बनाना प्रेफर करती हूँ। तो मैंने यहाँ पर आपको फ्लेम दिखाई है कि मेरा फ्लेम जो है बिल्कुल लो, बिल्कुल भी तेज नहीं करना है। तो ये देखिए मेरा शुगर ऑलमोस्ट मेल्ट हो चुका है। उसके बाद इसमें जाएगा हमारा बटर। जी हाँ, और ये मैंने अमूल की बटर ली है, और ये सॉल्टेड बटर है। अगर आपके पास नॉर्मल बटर है घर का निकाला हुआ तो आप वो डाल सकते हैं, और उसमें थोड़ा सा नमक ज़रूर ऐड कीजिएगा, क्योंकि जब इस तरीके का हम बनाते हैं कैरेमल सॉस तो उसमें नमक थोड़ा सा जाता है, तो काफ़ी टेस्टी लगता है हमारा कैरेमल सॉस। ये देखिए
बिल्कुल टेक्सचर ही चेंज हो गया है और आगे और ज़्यादा टेक्सचर इसका चेंज होगा। तो बस इसे धीरे धीरे चलाते रहना है। तो अब मैं यहाँ पर डालूँगी अपना अमूल की मैंने ली है फ्रेश क्रीम। बहुत सारे लोग इसे व्हिपिंग क्रीम के साथ भी बनाते हैं लेकिन वो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आता है। तो यहाँ पर मैंने अमूल की फ्रेश क्रीम डाली है और ये देखिए इसका टेक्सचर धीरे धीरे कैसे चेंज हो रहा है। और थोड़ा सा मैं गैस से ऊपर उठा भी रही थी ताकि ये जलना नहीं चाहिए। तो अब मैंने डाल दिया है कंडेंस मिल्क। पूरा स्टेप फॉलो कीजिएगा तभी आपका अच्छे से सॉस बनेगा। और ये जो सॉस बन रहा है ये थोड़ा थिक रहेगा। जी हाँ, इस चीज़ का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए मैंने यहाँ पर डाला है व्हाइट चॉकलेट कंपाउंड। हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि ये जो सॉस है थोड़ा थिक बनेगा। गैस को भी मैंने बंद कर दिया है क्योंकि ये चॉकलेट जलनी नहीं चाहिए, तो इसलिए मैंने गैस को भी बंद किया है। और इस चॉकलेट को मैं अच्छे से पहले इसमें मिक्स कर लूँगी। मीन्स पूरे जो लम्ब दिख रहे हैं यहाँ पर गुठलियाँ, उसे मुझे फोड़ना है। उसके बाद मैं गैस ऑन करके एक हल्का सा इसमें उबाल आने दूंगी और मेरा जो कैरमल सॉस है बन के रेडी हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल प्रोसेस, लेकिन हाँ ये चीज़ याद रखिएगा कि ये जो बन रहा है हमारा अभी कैरमल सॉस, ये थोड़ा थिक होगा। तो आप इसको डायरेक्ट, ठंडा होने के बाद काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता है, तो आप इसको डायरेक्ट अपने केक में यूज़ मत कीजिएगा क्योंकि जब ये धीरे धीरे ठंडा होगा तो काफ़ी स्टिकी हो जाएगा। तो आपको इसको जो है थोड़ा सा लास्ट में पानी मिलाकर हल्का सा और पकाना है ताकि ये बिल्कुल लिक्विडी फॉर्म में आ जाए जैसा मार्केट में मिलता है। तो बेसिकली मैंने इसे इसलिए बनाया है कि मैं एक चॉकलेट की रेसिपी अभी आप लोग के साथ शेयर करूंगी, तो इसलिए मैंने इसे इस तरीके का ही छोड़ा है। और इसे आप स्टोर कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमने पानी वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, तो काफ़ी दिनों तक स्टोर हो जाएगा, इसलिए मैं इसमें पानी अभी नहीं ऐड कर रही। और जब मैं नेक्स्ट केक की रेसिपी लाऊंगी तो उसमें मैं दिखाऊंगी कि मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे पतला किया था। तो इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा वरना बाद में आपको प्रॉब्लम होगी और आप कहेंगे मैम हमारा अच्छे से नहीं बना चॉकलेट बटर स्कॉच सॉस। ये देखिए कितना ज़्यादा थिक और कितना रिच दिख रहा है अभी से ही। और ये सुबह सुबह मैं सारे काम कर रही थी, मुझे शाम को 5 बजे केक देना था। लिटरली मतलब थोड़ा सा लेट तो हो ही गया था। मैं एक दिन पहले मोस्टली काम करना पसंद करती हूँ और ये केक का ऑर्डर मुझे एक दिन पहले शाम को लगभग 8 बजे आया था ऑर्डर और दूसरे दिन 5 बजे देना था। और ये कस्टमाइज केक भी है तो मैं पूरा डिटेल में शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। ये देखिए कितना ज़्यादा रिच अभी से ही दिख रहा है। आपको कैसा देख के लग रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ज़रूर एक बार इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। और यहाँ पर जो मैंने प्रलाइन ठंडे होने के लिए रखे थे वो भी अच्छे से जम चुके हैं और उसे भी मैं तोड़ के, ये देखिए मैं यहाँ पर ले लूँगी इसे, अच्छे से छोटे छोटे पीसेस कर लूँगी और क्रश करना है इसको क्योंकि थोड़ा बड़ा रहेगा तो ये चुभ सकता है मुंह में आएगा, तो इसलिए मैं इसे अच्छे से क्रश करके ही केक के अंदर डालूंगी। ये देखिए इस तरीके से मुझे क्रश कर लेना है सारी चीज़ों को और मेरा यहाँ पर सॉस और प्रोलाइन बन के रेडी हो चुका है। तो ऐसी नई नई रेसिपीज के लिए बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट